गाइस आप सभी लोग अरुण को गुड मॉर्निंग लिख दो। चलो अरुण गुड मॉर्निंग लिखवाते सब पे एक बार, कह के गुड मॉर्निंग। अरे कह के गुड मॉर्निंग लिखो। गुड मॉर्निंग लिख दो भाई, सब गुड मॉर्निंग लिख दो। पन्नी खाली है के दुबई वाली। लिखना जब आसनगर यहाँ गुड मॉर्निंग लिख रखा हो तो मतलब तू कहने का चाहे मैं यहाँ गुड मॉर्निंग ना लिख सकूं भाई। एफर्ट्स करेगा ना तू, जब ही तो लोग करेंगे, तू लिखियो ना पहले, जब एडिट करेगा जब पता चलेगी ना। तो एडिट करने में क्या भाई, मेरे जैसा एडिटर अगर आपको चाहिए तो मेरे अंदर की स्किल्स आपको लेने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो यार यहाँ ना, यहाँ तो कुछ दिख भी ना रहे हो, कम उजालो, बाहर चल ना। आ जा यार, मेरी तो चप्पल और खोगी कहाँ गई। तनु मेरी चप्पल हमने कहाँ गिर दे यार तू, तो पहर के गए हो तो मैं मिल ना रही मुँह तो यार। चलो भाइयो अब मैं आपको खाली करके दिखाता हूँ पन्नी क्या यार। अरुण तू एक भाई आवाज कम कर यार। चलो जी कहाँ खोलेगा पता जल्दी सी यार। ये इन्हें भाई 3 दिन हो गए आए, 3 दिन से यहाँ ने ये खोल ना दिए, ना देखन दिए, ना कुछ। अब मैं कह रहा हूँ कि अब खोलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट अरुण तेरा। चल अब दिखाना शुरू कर भाई, दुबई से तूने क्या परचेज करी यार, क्या क्या कितने कितने। 15 प्रो 256 नेचुरल टाइटेनियम। क्या है 15 प्रो? ठीक है। और एक एयरपॉड्स प्रो है सेकंड जनरेशन टाइप सी, और एक एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन लाइटनिंग। ये क्या मतलब है? मतलब टाइप सी वो चार्ज होएगा टाइप सी केबल ते। अच्छा तेरा ये वाला। हाँ तेरा फोन पुराना हो तो इसलिए मैंने लाइटनिंग वाले लिए। ऐसा भी ऑप्शन रहेगा? मतलब ये वाले थर्ड जनरेशन वाले केवल लाइटनिंग के साथ आते हैं मेरे ख्याल से बस। तो ये उससे होगा, ये उससे होगा। वाओ तेरा सही है ना, तुझे दो दो केबल नहीं रखनी पड़ेंगी। नहीं ब्रो मैं तो खुश हो रहा था कि वो वाले ही रहेंगे यार टाइप सी। हाँ कोई बात नहीं, टाइप सी की केबल आ जाएगी। अब फोन भी तो अपग्रेड करना है ना। वो तो बहुत बाद में होगा 16 ये जो भी करोगे। कोई नहीं, ये तो क्या हो गया, तो चार्ज इनको एक बार करो फिर बहुत टाइम चलते हैं भाई। ये देखो भाई अब हमने ये एयरपॉड्स खरीद लिए हैं, दो दो एयरपॉड्स और एक आईफोन 15 प्रो। इतरा रहो आराम। तो भाई इतराने को क्यों ना आया, मैं पैसा ना गिर रहे हैं। लो भाई खोल लो, मैं खोल दूं। चल तू ही खोल दे। ले भाई ये सेकंड जनरेशन मेरे प्रो, वो है अरुण ने लिए सेकंड जनरेशन प्रो। देखा तेरे कैसे, एक बार खोल के देखा कैसे, अनबॉक्सिंग कर। तो यहाँ पे ये सील पैक है एकदम पन्नी वमनी के समेत। ये देख, तेने एक बार पहले जब तू दुबई गया जब भी तो तेने लिए ये है ना, यही सेम है बस उसमें लाइटनिंग है, इसमें टाइप सी है। फिर तेने भी यूज ना करे कभी है ना। मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, तेने किसी को गिफ्ट दे दिया। तो देखा ये कैसे, ये गिफ्ट में तो धूल सी जम रही है जी। हाँ धूल जम रही है, कुछ भी बोल रहा है ये देख इसके अंदर ये। वाओ ये हमने नकली भी लिए थे तुझे याद हो तो एक बार केएमपी से। हाँ यही है सेम, नकली मिलते हैं ये। हाँ यार थोड़े डिफरेंट है शायद, और मुझे पता नहीं। तो और ये तो हो गए प्रो, और अब तेरे वाले, और इसमें लाइटनिंग केबल आती है। उनमें डिफरेंस क्या दोनों में, एक बार डिफरेंस दिखाइयो लुक में प्रो, दोनों में प्रो और वो नॉर्मल है। ये वे थोड़े लंबे रहे हैं, मतलब इनमें थोड़े फीचर और साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतर रहे प्रो में। हाँ जैसे प्रो है और नॉर्मल वाले, जैसे डबल कैमरा 3 कैमरा का फर्क है ना। हाँ तो ऐसे ही है। अब जैसे ये तेरा है, वाओ ये मेरा है, ये देखो लाइटनिंग केस। अच्छा ये थोड़े से साइज में बड़े रिंग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। देखिए वाओ, और एक इसपे एक केबल आती है तेरी। सही है केबल आ गई, फोन की केबल खराब भी है लगी। हाँ वही तो, 1900 रुपये की तो केबल इंडिया में, ये बात 12 के पड़े हैं केबल लगा ले एक गिफ्ट तेरे 2000 रुपये की, 10000 रुपये में और कहा लेगा भाई साहब। इतने के तो इंडिया में 9-10 हजार के तो वे आ रहे सेकंड जनरेशन सिंपल वाले, जो बाबा आदम के जमाने में आए रहे बड़े बड़े बता दे। और ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट थर्ड जनरेशन चल रही है अभी। सबसे लेटेस्ट, ओ भाई सब वाले सबसे लेटेस्ट है। खोल दे तू एक बार, दिखा तो कैसे हैं भाई। खोल 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 खोल, ये थोड़े लंबे हैं देख। कहाँ लंबे हैं ना, लंबे कहाँ हैं? हाँ तो अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब। दिखाइयो कैसे लगे, इन पे लेमिनेशन सीजी तो करवाते हैं लोग। वो चढ़वा केस चढ़ा है इन पे, केस आवे। हाँ केस आवे है ना इनको, डिजाइन इन खोम है बहुत है, खोम दी जो भाई महंगी चीज है, इन्हें कैसे खो सके हैं यार, पैसा की चीज है। एक बार तू साइज लगा के देखिए दोनों उनको, कि दोनों उनको छोटे बड़े तू कह रहे हो, जो वे सच बात है झूठ बात है देख एक बार यार। रंग कर ये है ना प्रो। हाँ ये लाइटनिंग केस है। तू एक डब्बा पर रख, एक डिब्बा और एक रख। तो ये अब तो जब भी निकल के अब हमें फोन के डिब्बान की तो पता ना कहाँ धरे हैं इनके, कहा करे
ये तेरे डिब्बा में भी फर्क है भाई। मेरा डिब्बा फर्क बूम बड़ो, तेरा डिब्बा पतलो लंबो है, मेरा डिब्बा छोटो। फोन मांगो कनेक्ट ना, मेरे में भी कुछ ना दिखा। आज नहीं यार, यू है डिफरेंस कहाँ है? और डिफरेंस है शायद यू प्रो है, यू है प्रो, यू प्रो है। अरे ना, यू तो यू है सिंपल, वो है प्रो। अच्छो यार, मुंह तो रबड़ सी पसंद ही ना रहे। कैसी रबड़? प्रो में रबड़ है, डिब्बा पे देखना तू, ये देख लाइटनिंग वाले में रबड़ सी ना, वहां में देखियो डॉके डिब्बा पे देखियो फोटो, वहां वहां पे फोटो वो है रबड़। तो ये है प्रो। ये रबड़ वाले तो बेकार रहे यार, तेरे तो मुंह दे दे, ये निकल जाते हैं। अच्छा सही में निकल जाए ये। ये देख, ये तेरे नॉर्मल, हाँ ये फर्क रहे भाई ना, बस दिखाइए मेरे हाथ में दिखा। नॉर्मल और प्रो में यार ऐसे लग रहे कैप्सूल से, इनकी साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत मस्त है। कुछ फर्क तो दिख ना रहे हो इनमें, है ना? ना रहे, ज्यादा फर्क ना रहे। साउंड क्वालिटी में भी ज्यादा फर्क तो होएगा ना इनमें, पर अगर तो प्रो अच्छे ना लगे तो रबड़ वबड़ की दिक्कत हो तो एक ही बात है, वो तो तू मेरे ले ले, मैं तेरे लगा लो। ओके, इनमें वो भी है ना, जैसे धीरे धीरे बोलो तो वो भी आवाज चली जाए माइक की जगह, जैसे व्लॉगिंग वगैरह में ना। ओके इनमें, हाँ जैसे पब्लिक प्लेस में तेज तेज चिल्लाने की बोलने की जरूरत ना, माइक वाइक लगाने की जरूरत नहीं, लगा के व्लॉगिंग कर लो। मेरे जैसे व्लॉगर है तो वहाँ तो भैया बहुत जरूरत पड़ेगी, इन एयरपोर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहे। अब फोन फोन को करेंगे अनबॉक्स बाद में। अच्छा फोन को बाद में अनबॉक्स करेंगे गाइस। तो ये थे हमारी परचेज, ये 12,000 के तो है वो वाले, ये मतलब एग्जैक्ट 12 के ना होंगे, 12 तो ऊपर के ही थोड़े बहुत, मतलब ऐसा राउंड फिगर्स बता रहा हूं मैं तो। और तेरे प्रो और ये प्रो वाले 16,000 पता, मतलब दोनों में ना इंडिया से 7-8,000 रुपए का फर्क है ईच, ये मान ले बस तो। भाई साहब मैंने ऑनलाइन देखे 19,500 के, ये तीनों चीज 1,24,000 रुपये पेमेंट करिए, बता कितना सस्तो है 24 में, है ना? इंडिया में यू फोन ही 1,44,000 रुपये को है। जैसे तू एक बात बता, मुझे जैसे दुबई को वीजो जो है 7800 रुपया को लग रहा है, फ्लाइट लाइट करके 30,000 रुपया लगा ले तू, 30,000 रुपया में आनो जानो और वीजा, तो एक दिन में जाओ वहां से सामान खरीदो अगले दिन आ जाओ, ऐसा भी तो कर सके हैं। और इतने ही रुपया बचा लो, जैसे मैक बैग बुक बुक लेनो घाई घर सामान लेना हो तो वहाँ चले जाओ। टिकट भी थोड़ी महंगी रहे, वीजा 7800 रुपया को है और 15,000 की एक साइड टिकट वन, तो थोड़ा देख यू ही महंगा पड़ जाए। पर मेरे कहने मतलब है फोन इंडिया में 1,44,000 रुपया को है, यू फोन हमें 1,24 में फोन के साथ दो ये फ्री मिले हैं। अरे भैया वाह यार, बहुत दुबई में ये फायदा है, इसलिए आई लव दुबई। वहाँ यू ही पन्नी मिलेगा सब दुकानन पे, हर दुकान पे यू ही मिले। और भाई पूछ ऐसा क्यों है वहाँ इतना सस्ता रेट क्यों है? क्योंकि वो टैक्स फ्री कंट्री है वहाँ, ये GST PST कुछ भी नहीं है, वो एक वैट लेते हैं 5% का, वो भी एयरपोर्ट पे बेचारे रिफंड कर देते हैं। वहाँ वार सिस्टम ना, जैसे यहाँ का ढाबे पे बैठ जा तू, वो भी सर्विस चार्ज लेंगे कि वेटर के, ये टैक्स वो टैक्स फालतू का भैया, GST CST जन कहाँ का, इंडिया छोड़ो वहाँ बढ़िया है भैया यू सिस्टम, टैक्स फैक्स ना ले उन पे, 72 रुपया है क्या, तुम मोज लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो भाई जैसे बहुत भाई पूछेंगे कि यार ये कभी नकली तो नहीं है, भाई देखो ये नकली पकली नहीं है, ये अभी परचेज डेट 24 मार्च की थी, तो देख लो 2025 तक इसकी वारंटी भी है, जो नकली होते हैं उनकी वारंटी वो दिखाता है एक्सपायर्ड या लिमिटेड। वहाँ स्कैन करके जब उन्हें पता चलेगा 24 मार्च के लिए या तेने डेट डाली हो, इनने कही मौत डेट डलवाई है इन्हें कनेक्ट करने के बाद, जब कनेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली हो जाते, पर कनेक्ट ही कहाँ करे मैंने। और लो बिल भी दिखा देता हूँ भाइयों को, आप 10 महीना बाद या 1 साल बाद डाल दो डेट तो। देखो भाई ये देख लो आप, जिस भाई को भरोसा ना हो रहा हो, ये एयरपोर्ट्स प्रो और आईफोन का रेट है, ये धर्म में होता है, इसको आप गूगल पे जाके कन्वर्ट कर लेना, 4630 के ये पड़े हैं धर्म में, AED जिनसे बोलते हैं। और आकाश का जो 3rd जनरेशन है उसका बिल ये रहा, हम भाई ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखते हैं, ये देख लो 560 रुपये की है। और जो वेट होता है 5% जो आपको दिख रहा होगा, जैसे इसमें 26 धर्म है और इसमें क्या है 220 धर्म है, तो ये भाई रिटर्न हो जाते हैं एयरपोर्ट पे, काउंटर बने रहते हैं अलग अलग, वहाँ पे जाओ ये बिल दिखाओ। अच्छा, और वो तो ये मतलब 533 वाके हैं, 533 26 तो रिटर्न आएगा, तो 533 के हैं ये। हाँ 533 धर्म के, ये इस दुकान पे 560 पे करे लेकिन ये 26 फिर उनने दिए। वाह यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा कैश में ले ले चाहे तो अपने अकाउंट में ले ले, दोनों ऑप्शन रहे। मैं वाओ कहीं काउंटर से बने रहे, काई पे भी जाके
बस बिल दे दे इंडिया के अकाउंट में भी भेज दे फिर। हां क्रेडिट कार्ड में ले ले एक हफ्ता में हमें पर वे अच्छा जी।